नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लाज्मा थेरेपी की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस थेरेपी में कोरोना वायरस से ठीक हुए इंसान के ब्लड को एंटीबॉडी निकालकर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में डाली जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जा सके। तो हम आपको बता दें, हमारे शरीर में दोस्तों चार चीज़ें होती है। पहला है RBC, दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा खून के तरल भाग को कहते हैं। एक डोनर 400 मिली प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो और आपको बता दें, एक पीड़ित को ठीक होने के लिए 200 मिमी प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो समझ लीजिए, आपको एक इंसान दो पीड़ित व्यक्ति को बचा सकता है। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस से ठीक होने के 2 हफ्ते बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसी विधि को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो हम ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।